हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान, जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान, जग है कर्म प्रधान। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त भाव से। शस्त्र है खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्म योग? हाँ, निष्काम कर्म योग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म तेरे अधिकार में केवल, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा,
तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा।